हेलो स्टूडेंट, आईटी वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्रू कैलकुलेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे फाइंड आउट करना है बाय द यूजिंग ऑफ कैलकुलेशन, उसको हम लोग समझेंगे। तो मैंने एक ब्लॉक को कंसिडर किया हुआ है और इसका अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्ट कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो दिख रहा है टी सेप है, लेकिन इसको अलग अलग सेप मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक सेप है, ये एक सेप है, ये मिला दिए हैं, तो ये एक आयत का रूप मेरा लिया हुआ है। तो आयत वन और आयत टू, अब हम क्या करेंगे, उसका डायमेंशन दिया हुआ है कि क्या क्या है। अब हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे कि किस वे में करते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं आयत ए बी सी डी, ये आयत वन है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद इसका भी निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहला का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल निकालने का होता है एल इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखे हैं फिगर वन का एल इंटू बी, तो पुट किए 80 इंटू 20 कितना आएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका ए से कितना डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिगर टू में। फिगर टू में हम लोग देखेंगे इसका आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा फिगर टू का, यहाँ पे एल इंटू बी 100, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 30 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बीच में होगा 50 सेंटीमीटर के लगभग में। तो हम कोई एक बीच में मान लेते हैं, कोई पॉइंट पी है या क्यू मान लेते हैं। तो कितना होगा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक के, इसके लिए 50 होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा 50। अब ये पॉइंट ए से कितना होगा, यहाँ 20 है, ये 50 से 70। तो इसको अब जब हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, इस ए एंड बी में मोमेंट लगाएंगे तो क्या होगा उसके लिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा का कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम एक फॉर्मूलेट में सेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे आयत वन और आयत टू का। तो आयत वन का क्षेत्रफल, आयत वन का क्षेत्रफल यहाँ है और आयत टू का क्षेत्रफल यहाँ है। इस क्षेत्रफल को ऐड करते हैं तो टोटल क्षेत्रफल, टोटल आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 1+2=4600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूलेट करके इस एक्स का डिस्टेंस, मतलब जी जो माने हैं, इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो इस ए पॉइंट जी को हम एक्स डिस्टेंस, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, तो उसको हम एक फॉर्मूला मोमेंट लगा के यूज करेंगे। तो टोटल आयत का क्षेत्रफल 4600 इंटू ए, इनका डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस जो माने हुए हैं एक्स, इंटू इक्वल टू इसका क्षेत्रफल और इसका सेंटर ऑफ की ग्रेविटी कहाँ पे लगेगा। तो 1600 इंटू कितना सेंटीमीटर है 20 है, तो आधा 10, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का क्षेत्रफल कितना है 3000 इंटू कितना होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 यहाँ से और यहाँ से 20 कितना होगा 70। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमको x का वैल्यू कितना आएगा 49.13 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से किस तरह से